निश्चित संवाद यात्रा 23 तारीख से हमारा निकल रहा है, जो पूरे बिहार के लिए हर जिला मुख्यालय में टच करते हुए जिला के अंदर में 100 किलोमीटर का कम से कम हमारा रोड शो होगा। और अभी पॉइंट वगैरह सब अभी जिला पदाधिकारी सब सेट कर रहे हैं, अभी फाइनली हमारे पास लिस्ट नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में 2-3 दिन में लिस्ट आ जाएगा। तो ये जत्था का लक्ष्य क्या है? ये जत्था का लक्ष्य है, पिछले 4 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में समाज को आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण मिले, जब देश का संविधान में आरक्षण 1950 में मिला है तो अभी भी मिले, और हमारी लड़ाई आरक्षण का है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आरक्षण अगर केंद्र सरकार नहीं करेंगे तो हम लोग स्वतंत्र हैं सब तरह का डिसीजन लेने के लिए, और जो हमारे साथ दोस्ती करेगा, कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा, ऐसे लोगों के साथ हमारा साथ होगा। 2019 हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में निषाद महारैला का आयोजन किया गया है। 2 महीने में केंद्र सरकार आरक्षण करती है तो ठीक है, नहीं तो 4 नवंबर को एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम का घोषणा होगा, और आने वाले समय में 2019 में मजबूती से निषाद विकास संघ की तरफ से जो पार्टी ऑर्गेनाइज होगा वो मजबूती से पूरे बिहार में चुनाव लड़वाएगा। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।